कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों से मिलने के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। फेसबुक और ट्विटर पर केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार हमले बोल रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने सोमवार की रात भी ट्वीट कर पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने पीएम मोदी को कुछ खास उद्योगपतियों का मित्र बताया है। राहुल गांधी ने सोमवार रात ट्वीट कर लिखा कि आज बड़े उद्योगपतियों का अरबों का कर्ज माफ किया जा रहा है, लेकिन अगर एक किसान या छोटा व्यापारी छोटा सा भी कर्ज न लौटा पाए तो उसे डिफॉल्टर बताकर जेल में डाल देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा हर अन्याय के खिलाफ है। राजा के ये दो हिंदुस्तान भारत स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के 20वें दिन की शुरुआत मल्लमपुरम से की। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में भाग लेते नजर आए। राहुल गांधी जगह जगह रुककर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। वहीं सोमवार को अपनी पदयात्रा के दौरान भी राहुल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि हम ऐसे भारत को स्वीकार नहीं करने जा रहे हैं जहां विश्वविद्यालय की डिग्री आपको नौकरी नहीं दिला सकती। राहुल ने कहा कि भाजपा आरएसएस चाहती है कि ये नदी रैली में बट जाए। वे चाहते हैं कि लोग आपस में लड़ें। वे एक ऐसी नदी चाहते हैं जहां कोई गिरे तो उन्हें कोई ना उठाए और जहां हर कोई अकेला हो। वे बांटकर और नफरत फैलाकर देश को चलाते हैं। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। नमस्कार। We'll be right back.